साथियों, आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राष्ट्र का अहित करने वाली कांग्रेस की सोच का आज मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में भारत के टुकड़े हो गए, माता को आजाद कराने के लिए ये भारत मां की भुजाएं काट दी गई। और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित वो लोग हुए जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक थे, जिनका ध्यान रखने का समझौता हुआ था। ये अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है, इन अल्पसंख्यकों को, और उनमें अधिकतर हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, ईसाई संप्रदाय के लोग थे, पारसी लोग थे, ये लोग अनेकों पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। वो कहीं और से वहां जाकर नहीं बसे थे। इन लोगों ने अलग देश की मांग भी नहीं की थी। उन पर तो ये फैसला 1947 में थोपा गया था। हिंदुओं में भी अधिकतर दलित परिवारों के लोग थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे। और ये वो लोग थे जो वहां साफ सफाई का काम करते थे, जिनको पाकिस्तान के जमींदारों ने वहां सेवा के लिए, कामकाज के लिए रखा था। वहां जो दलित, वंचित, शोषित रह गए थे, उनके साथ अमानवीय बर्ताव हुआ, उनके मंदिरों पर कब्जा किए गए, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर तीर्थ क्षेत्र, हर श्रद्धा केंद्र संकट में आ गया। घर तो उनके पास क्या थे, झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे थे, उन पर भी कब्जा कर लिया। बहु बेटियों के साथ दिन दहाड़े अत्याचार हुए। यही स्थिति वहां रहने वाले सिख परिवारों की हुई। ऐसे लाखों साथी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए। दशकों से वो भारत के अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, अनधिकृत रूप से रहे जाते हैं। उनको राजनीति के लिए उपयोग तो किया गया, लेकिन उनको नागरिकता को लेकर सिर्फ वादे मिले। और आप अखबार निकाल दीजिए, हर चुनाव के पहले कांग्रेस के किसी न किसी नेता ने, कांग्रेस की किसी न किसी इकाई ने ये बयान दिया है। पुराने अखबार निकाल देना, उन्होंने वादे किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित है उनको हम नागरिक अधिकार देंगे, हिंदू को देंगे, सिख को देंगे, ऐसा भी कहा है। लेकिन कल आपने देखा, फिर पलट गए। भाइयों बहनों, जिस गरीबी, गंदगी और उपेक्षा की स्थिति में ये हमारे भाई बहन पाकिस्तान में थे, कांग्रेस की सरकारों ने यहां भी उनके साथ वही बर्ताव किया। भाइयों और बहनों, 10 साल पहले जब अफगानिस्तान में
तालिबान के हमले बढ़े तो दर्जनों ईसाई परिवार भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए थे। भारत इसलिए आए थे क्योंकि उनके भी पुरखे इसी धरती से जुड़े हुए थे, लेकिन इन लोगों का भारत में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने साथ नहीं दिया। ऐसे ईसाई परिवार आज भी बहुत ही दयनीय स्थिति में जिंदगी गुजार रहे हैं। साथियों, आज जब ऐसे लाखों गरीब, प्रताड़ित, वंचित, शोषित दलित परिवार, सिख परिवार, ईसाई परिवार, उनको भाजपा ने अपने वादे के अनुसार नागरिकता देने का कानून बनाया तो कांग्रेस और उसके साथी उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको भारत में शरण मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, आपने अब कांग्रेस को भली भांति पहचान लिया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्वार्थ नीति है, वोट बैंक की चिंता है। इनको पता है कि दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने इनको ठुकरा दिया है, इसलिए एक वोट बैंक इनको अपना आखिरी सहारा दिख रहा है। इसके लिए वो इस देश को करोड़ों मुस्लिम साथियों से भी छल कर रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं। साथियों, ये जो नागरिकता के कानून में संशोधन हुआ है, इसका भारत के नागरिक जो हमारे मुसलमान भाई है, इस कानून से इस देश का हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, जो पहले से भारत का नागरिक है, उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन झूठ बोले जा रहे। भाइयों बहनों, इसी तरह की राजनीति के लिए ही कांग्रेस और उसके साथी नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भ्रम फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, जबकि ये कानून पहले से ही भारत आ चुके शरणार्थियों की नागरिकता के लिए। 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आए उन शरणार्थी को ही इस व्यवस्था का में रखा गया है। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दायरे से बाहर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जिनकी राजनीति घुसपैठियों के समर्थन से चलती है, वो वहां भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।